हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेवरी मंच। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ इंस्टेंट बर्फी की रेसिपी, जिसे आप किसी भी तीज त्यौहार पे बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसे खा सकते हैं। तो फिर चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए मैंने लिया है 225 ग्राम नारियल का चूरा, एक ग्लास दूध, 200 ग्राम मिल्क पाउडर, 100 ग्राम पाउडर शुगर, 4 चम्मच घी, 4 इलायची जिसे मैंने कूट लिया है। तो सबसे पहले अभी कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे घी। मैंने एकदम छोटे चम्मच से 4 चम्मच घी लिया था, तो उसी हिसाब से आप घी लें। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है इसमें मिल्क। मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिया है, तो ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर दे, उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिलाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े, और गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। जब आप मिल्क पाउडर डाल रहे होते हैं उस टाइम बिल्कुल भी फ्लेम को हाई नहीं करना है, नहीं तो बहुत जल्द इसमें गुठलियाँ तैयार हो जाएंगे और फिर आपका जो बर्फी है वो ख़राब हो सकता है। तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखें ताकि जब भी आप नारियल का मिठाई बनाएं तो आपका मिठाई ख़राब ना हो। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इसे मिक्स कर दी हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पाउडर शुगर। तो मैंने शक्कर को घर पे ही पीस के तैयार किया है, तो आप भी उसी तरीके से तैयार कर सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। बाद में मैंने डाला है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डाल के फिर इसे मिलाते जाएंगे। इसे तब तक मिलाते जाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो जब इसमें उबाल आने लगे तो आप इसे नॉनस्टॉप चलाते रहे, नहीं तो ये नीचे पकड़ लेता है। अब ये गाढ़ा हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा नारियल डालते हुए मिलाते जाऊंगी। तो नारियल डालने के बाद भी स्पीड में इसे मिलाते जाए। तो ये बर्फी अभी लगभग जमने के लिए तैयार हो चुका है, तो थोड़ा सा और मिक्स करके फिर इसे छोड़ देंगे और फिर इसे जमाने की तैयारी करते हैं। जमाने के लिए मैंने एक केक टिन ले लिया है, उसके अंदर मैंने लगा दिया है घी। तो चारों तरफ से घी अच्छे से लगा दें ताकि जब हम मटेरियल डालें तो उसके अंदर वो चिपके नहीं ज़्यादा। तो घी लगा के हो चुका है, तो अभी हम बर्फी का पूरा मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे। पूरा मटेरियल डालने के बाद चारों तरफ से इसे फैलाते हुए फिर इसे प्लेन करेंगे। तो कोई भी स्पैटुला के मदद से आप इसे अच्छे से प्लेन कर ले बर्फी की तरह। प्लेन करने के बाद फिर इसे हम गार्निश कर लेते हैं। तो गार्निश करने के लिए आप बादाम या पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर अभी डालने वाली हूँ कटा हुआ पिस्ता। तो पिस्ता को अच्छे से फैलाते हुए डाल दूँगी, उसके बाद इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए दबा दूँगी ताकि पिस्ता अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 2 घंटा हो चुका है और देख रहे हैं कि यह बर्फी अच्छे से जम के तैयार हो चुका है। तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, बाहर ही रखा था, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में अच्छे से कड़क हो जाता है, तो मुझे सॉफ्ट ही बर्फी चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे बाहर ही जमने के लिए छोड़ा था। और ये काफ़ी अच्छे से बाहर भी जम के तैयार हो चुका है, लेकिन आपको काफ़ी फास्ट जमाना हो तो आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। और इसे स्क्वायर पीसेस में काट के निकाल लेंगे। काटने के बाद आपको दिखाती हूँ कि बर्फी कैसा रेडी हुआ है। तो अगर आपने इससे पहले कभी ये बर्फी घर पे नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं। तो आपको मैं पास ला के दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। तो ये लीजिए, हमारा टेस्टी सा बर्फी तैयार हो चुका है। तो अगर आपको बर्फी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।